मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में जेरे इलाज और एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक को वीडियो के सामने आने पर ओहदे से हटाया गया था। अरशद मलिक की नमाज जनाजा आबाई गांव मंदरा गुजर खान में अदा की जाएगी। पसमानदगान में दो बेटे और दो बेटियां छोड़ी हैं। कराची में माहिर तालीम प्रोफेसर कलंदर शाह कोरोना से जंग हार गए। तफ्तीश जामशोरों में की जाएगी। लाहौर में ट्रैफिक इंस्पेक्टर रेलवे इरफान शाह कोरोना से जा बहक। कौमी क्रिकेटर्स का पीसीबी को दौरे न्यूजीलैंड जारी रखने का मशवरा। इंतजामिया ने खिलाड़ियों की राय से बोर्ड को आगाह कर दिया। टीम की प्रैक्टिस का मामला दो रोज में हल होने का इम्कान। न्यूजीलैंड हुकाम आइसोलेशन मुकम्मल होने तक कौमी टीम को ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समाप्त के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर आता बंदियाल की सरबराही में चार रुकनी लॉ जज बेंच 8 दिसंबर को समाप्त करेगा फरीकैन को नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक हुकूमती रूल्स पर सवालात उठा दिए। रूल्स बनाने की तजवीज किसने दी, किसने मंजूर किया? चीफ जस्टिस पीटीए अथॉरिटी पर बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्ला ने रिमार्क दिए, हुकूमत या कोई भी कानून से बालातर नहीं। तनकीद इजहार राय का अहम तरीन जुज्व है, तनकीद से क्यों खौफजदा है? सोशल मीडिया रूल से तनकीद की हौसला शिकनी होगी तो ये एहतसाब की हौसला शिकनी होगी। वकील को भारत की मिसाल देने से रोक दिया। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए पिंडाल तैयार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ज़िले इंतजामिया ने तहाल इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान स्टील की निजकारी पर सिंध हुकूमत और विफाक आमने सामने। सूबाई हुकूमत ने निजकारी पर 19,000 एकड़ अराजी की लीज मंसूख करने का फैसला कर लिया। 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई। सिंध काबीना का इजलास भी बुलाया जाएगा। कराची में इम्तियाज सुपर स्टोर पर महंगी दवाई बेचने का केस। कंज्यूमर कोर्ट के नोटिस के बावजूद सुपर स्टोर इंतजामिया पेश न हुई। अदालत का केस एकतरफा चलाने का फैसला। मुदई को सबूत पेश करने का हुक्म। कराची में दिसंबर के महीने में भी गर्मी। कम से कम दर्जा हरारत 16, ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है 10 रोज तक बारिश और सर्दी की लहर का कोई इम्कान नहीं।